हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम पॉइंट। एंड टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। उसका भी हम एक सब पार्ट डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। इससे पहले हम दो वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड डिस्कस किया था और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक एसिड में मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हमें एसिडिटी बतानी है तो बेसिकली इसकी जो एसिडिटी है वो इस ग्रुप पर डिपेंड करेगी। जितना जल्दी ये एच पॉजिटिव दे देगा और एच पॉजिटिव देने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। सल्फोनिक एसिड की बात करें तो उसकी एसिडिटी इस ग्रुप पर डिपेंड करेगी। एल्कोहल्स की बात करें तो जो एसिडिटी है वो OH ग्रुप पर डिपेंड करेगी। और जनरली जो एल्कोहल्स होते हैं हमारे पास वो वीक एसिड्स होते हैं। जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है कंजुगेट बेस की वही डिटरमाइन करेगी एसिडिटी को। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल एक रिएक्शन की, तो यहाँ पे ये रिएक्शन में H पॉजिटिव और A नेगेटिव, जितना ज़्यादा H पॉजिटिव और जितना इजीली H पॉजिटिव देगा उतना ही कोई स्पीशीज एसिड कहलाती है। बट ये डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी पे। एच ए का ए नेगेटिव कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एच ए जो होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ये हमने ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। और अगर नेक्स्ट हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड को, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उनकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज करती है कंपाउंड्स की, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनकी वजह से कंपाउंड की जो एसिडिटी है वो डिक्रीज करती है। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जो नेगेटिव चार्ज CO नेगेटिव ग्रुप पे आया है वो डीलोकेलाइज हो जाएगा, और डीलोकेलाइज होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी हमारे पास, एसिडिटी होगी। सेम केस अगर हम बात करें कि अगर R हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हमारे पास जो कंजुगेट बेस है वो क्या हो जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है। रीज़न क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से यहाँ क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। और अनस्टेबिलिटी आएगी तो जो एसिड होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी एसिडिटी कम होगी, और जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सबसे पहला एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अगर हम रीज़न की बात करें तो देखिएगा, फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, जबकि एसिटिक एसिड में यहाँ पे क्या है, CH3 की डोनेटिंग टेंडेंसी, CH3 का प्लस आई इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू H। तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये ज़्यादा डोनेट करेगा तो यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से जो ये कंजुगेट बेस बनेगा ये डिस्टेबलाइज करेगा, और ये कैसा हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा कंपैरिजन टू फॉर्मिक एसिड। सेकंड केस अगर हम डिस्कस करें, विच वन इज़ मोर एसिडिक, सबसे पहला है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, सेकेंड वन इज़ डाईक्लोरो एसिटिक एसिड, एंड थर्ड वन इज़ ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तीनों के, तो यहाँ पे मेरे पास एक Cl है, यहाँ पे हमारे पास दो Cl है, और यहाँ पे हमारे पास तीन Cl है। हमें पता है Cl के पास माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जितने ज़्यादा Cl होंगे उतना माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। यहाँ पे एक Cl है तो माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे दो Cl है तो कंपैरिजन टू फर्स्ट के माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, और यहाँ पे तीन Cl हैं तो माइनस आई इफेक्ट और ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही कंजुगेट बेस जो है वो स्टेबल होगा, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक थर्ड, देन सेकेंड, एंड देन फर्स्ट। अगर हम बात करें पी के वैल्यू से भी कंपेयर करें, तो देखिएगा पी के वैल्यू यहाँ पे 2.86 है, सेकेंड में 1.29 है, और लास्ट वन में 0.65 है। और हमें पता है कि जितनी ज़्यादा पी के वैल्यू होती है एसिडिटी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। जो पी के वैल्यू है वो इन्वर्स होती है एसिडिटी के। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ट्राईक्लोरोइथेनोइक एसिड, एंड देन सेकेंड, एंड देन
फर्स्ट, यही ऑर्डर हमें यहाँ पे दिया गया है। उससे नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, CH2 FCOH, CH2 CLCOH, CH2 BrCOH एंड CH2 ICOH, विच वन इज मोर एसिडिक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ ये एटम डिफरेंट है, बाकी सबके स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है। सेंट्रल मेटल एटम जो है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ही कंजुगेट बेस जो होगा वो स्टेबल होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है, तो एसिडिटी का ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये हम पीके वैल्यू से भी देख सकते हैं, पीके वैल्यू CH2FCOH की सबसे कम है तो एसिडिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा, और पीके वैल्यू CH2ICOH की सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे जो एसिडिटी होगी वो सबसे कम होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एसिडिटी कंपेयर कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड, मिथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, विच वन इज मोर एसिडिक, तो देखिएगा यहाँ पे सबके पास प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे इस ग्रुप की, ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और हमें पता है जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा एसिडिटी जो है उतनी ही क्या होगी हमारे पास, कम होगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फर्स्ट वाला है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लास्ट वाला है। तो जो हमारा ऑर्डर होगा एसिडिटी का, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबसे कम एसिडिक होगा लास्ट वाला। और ये बात हम पीके वैल्यू से भी देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा पीके वैल्यू होगी एसिडिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। जनरली हमारे पास एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज इथनोइक एसिड वीकर देन मिथनोइक एसिड, तो ये रहा हमारे पास इथनोइक एसिड थर्ड वन, और मिथनोइक एसिड है हमारे पास है सेकेंड वाला। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इथनोइक एसिड का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो जो कंजुगेट बेस बनेगा वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल नहीं होगा कंपैरिजन टू मिथनोइक एसिड, इसलिए जो इथनोइक एसिड है वो वीकर एसिड है देन मिथनोइक एसिड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, कॉन्सेप्ट समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।